अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक एक्सप्रेस और मैं हूँ उमर रफ़ीक। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से अपने कावये को रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक कावी है, इसका एलिमेंट ख़राब हो चुका है और ये गर्म नहीं हो रहा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह इसको रिपेयर कर सकते हैं अपने घर पर आसानी के साथ। सबसे पहले दोस्तों, आपने कावये को खोल लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इसके तीन अदद पेच लगे हुए हैं, तो आपने इस तरह इसके पेच ओपन कर लेने हैं। और उसके बाद ये एक ऊपर पेच लगा हुआ है, इसको भी आपने खोल लेना है, क्योंकि इसकी ये जो प्लास्टिक है इसके साथ फिक्स हुई होती है पेच के। तो आपने ये पेच भी खोल लेना है। पेच खोलने के बाद आपने इस तरह थोड़ा सा इसको घुमाना है, आपने इस तरह खींचना है तो ये खुल जाएगा। तो अभी ये देख रहे हैं आप कि ये जो इसके अंदर कार्ड सा लगा हुआ है ये बाहर आ चुका है। यहाँ से इसकी वायरिंग है, ये जो मेन तार है यहाँ आई हुई है और एलिमेंट की तार भी इसके साथ लगी हुई है। तो यहाँ से बल्ब के कनेक्शन भी हुए हैं, ये जो इंडिकेशन लाइट है ये इसके साथ लगी हुई है, तो इसके भी कनेक्शन इधर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले आपने बिट का जो पेच है उसको खोल लेना है, ताकि हमारा एलिमेंट आसानी के साथ बाहर आ जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये दो पेच हैं, इन दोनों को मैं खोल रहा हूँ। आपने इस तरह से अपने पेच खोल लेने हैं। पेज खोलने के बाद आपने इस तरह से इसको खींचना है बिट को आगे से, ये बिट बाहर आ जाती है और ये इसका एलिमेंट इसके अंदर होता है। तो अभी सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो एलिमेंट की तारें लगी होती हैं, ये आप देख रहे हैं, ये मेन तारों के साथ दो तारें इसकी लगी हुई हैं वाइट वाली, आपने इनको इस जगह से काटना है। जैसा जब आप ये काट लेंगे तो ये हमारा एलिमेंट बाहर आ जाएगा। तो अभी आपको मैं चेक कर देता हूँ, ये देखें यहाँ तक सप्लाई में देता हूँ सीरीज़ बोर्ड की, तो ये लाइट ऑन हो रही है। थोड़ी देर में देख रखता हूँ, देखता हूँ कि ये गर्म होता है या नहीं। तो आपने इस तरह से हाथ से चेक करना है इसको, तो ये बिल्कुल भी नहीं गर्म हो रहा। और मेरा जो सीरीज़ लैंप है वो भी ग्लो नहीं कर रहा, क्योंकि आगे लोड ही नहीं है, आगे सिर्फ ये लाइट छोटी सी चल रही है और एलिमेंट बिल्कुल भी चल नहीं रहा, ऑन ही नहीं हो रहा। तो एलिमेंट अंदर से कहीं से ब्रेक हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा सीरीज़ लैंप भी नहीं रोशन हो रहा और ये ना ही गर्म हो रहा है। तो आपने इस तरह से इसको चेक करना है। जब आपने ये चेक करेंगे तो ये काम नहीं कर रहा, तो आपने इसको खोल लेना है। आपने ये जो दो वाइट वाली तारें लगी हुई हैं ये एलिमेंट की हैं, आपने इनको कटर की मदद से काट लेना है। और आगे बिट वाली साइड से आप इसे खींचेंगे तो आसानी के साथ जो एलिमेंट है वो बाहर आ जाएगा। ये इस जगह से आप खींचेंगे इस तरह, तो ये आसानी के साथ पूरा बाहर आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप, अभी मैंने तारे नहीं काटी, इस वजह से ये बाहर नहीं आ रहा। जब आप ये आगे से तारे काट देंगे तो आप इसको इस तरह खींचेंगे तो ये पूरी बिट सी बाहर आ जाएगी। ये बिट है और इसके साथ ही एलिमेंट लगा हुआ है, फिक्स है। तो इस तरह से इसको अपने बाहर पर खींच लेना है, आपने इसका एलिमेंट निकाल लेना है। और किसी भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप से आपने ये कावी की बिट और एलिमेंट ले लेना है, क्योंकि ये बिट जो है ये बिल्कुल अभी साथ चिपकी हुई है एलिमेंट के और ये निकल नहीं रही, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें मुझे परचेज़ करनी पड़ेंगी। तो मैं ये ज़रा परचेज़ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको अगली वीडियो में बताता हूँ कि आपने आगे इसके साथ क्या करना है। आप तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक ज़रूर कर देना, शुक्रिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो वाला जो काले वाला ये बिट पड़ा है ये पुराना था, ये उसके अंदर से मैंने कावीक निकाला था, और ये वाइट वाला मैं अभी नया लेके आया हूँ। ये बाज़ार से मैंने परचेज़ की है, तकरीबन 200 की मुझे बिट और एलिमेंट दोनों चीज़ें मिली हैं। तो अभी मैं इसको ज़रा दोबारा से खोल लेता हूँ और अभी इसमें नए वाला एलिमेंट और बिट लगा के आपको बताता हूँ। नए वाला एलिमेंट परचेज़ कर लिया है और साथ इसकी बिट भी। आपने इस तरह से एलिमेंट के ये जो दो पेच लगे हैं इनको पहले खोल लेना है। इन पेचों को खोलने के बाद आपने ये जो फ्रेम है आपने इसके अंदर इस तरह से इसको कर देना है, तारों को डालना है पहले, और उसके बाद इसको आराम आराम से, ताकि इसकी जो इंसुलेशन है वो ख़राब ना हो, आपने इसको आराम आराम से बिट को इस तरह आगे कर देना है एलिमेंट को। तो ये देख लेना आपने, ये जब पेचों की जगह बराबर हो जाएगी तो आपने इसके ऊपर पेच लगा देने। तो ये हल्के हल्के मैं ज़रा टाइट कर लेता हूँ, ताकि हमारा जो एलिमेंट है वो आगे पीछे ना हो जाए। तो इसको लगा के आपने ये जो स्लीव चढ़ी है तारों के ऊपर, आपने सबसे पहले स्लीव को थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ प्रेस करना है। आपने स्लीव को थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ कर देना है, ताकि जो एलिमेंट के अंदर से ये आ रही थी ये शॉर्ट ना हो जाए। तो आप मैं अभी इसको दोबारा से ज़रा खोल लेता हूँ, आपने इस तरह से इसको कर लेना है।
और उसके बाद ये दो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, आपने इन दोनों पॉइंटों पे एक एक तार लगानी है। तारें जिस तरह मर्जी लगा दें, कोई मसला नहीं होता इसका। आपने इस तरह से तारों को अंदर डालना है और ये पूरी ज़रा रखनी है, पूरी पूरी एक्स्ट्रा नहीं रखनी है आपने। इस तरह से ये दो तारे हैं, इस पर सोल्डरिंग हुई थी पहले, लेकिन अभी मैं सोल्डरिंग नहीं कर सकता क्योंकि ये तो मेरा काविया ही ख़राब हो चुका है, तो मैं सोल्ड तो नहीं कर सकता। तो इसकी जो आगे सोल्डरिंग वाली जगह है वहाँ से हल्की हल्की इंसुलेशन उतरी हुई है, तो आपने इस तरह से इसको घुमा देना उसी जगह के ऊपर ताकि ये फिक्स हो जाए। तो इसको ज़रा मैं मज़बूती से टाइट कर देता हूँ। तार को आपने इस तरह थोड़ा थोड़ा घुमाना है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह मैं तार को घुमा रहा हूँ। आपने भी इसी तरह तार को ज़रा टाइट से घुमा देना ताकि ये फ़िक्स हो जाए और इसमें स्पार्किंग वगैरह ना हो। अगर स्पार्किंग वगैरह होगी तो ये दोबारा से हमारा एलिमेंट ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए ज़रा इसको आपने टाइट से इन तारों के साथ फ़िक्स करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको टाइट कर दी है, ये सही से भी ग्रिप हो चुकी है। तो उसके बाद आपने कटर की मदद से आगे से ये जो एक्स्ट्रा तार हैं इनको काट देना है। तो इन दोनों तारों को मैंने अभी काट दिए। तारों को काटने के बाद आपने इस तरह इसको अपनी जगह पे ज़रा फिक्स करना है, ये पेचों के बराबर जगह करनी है और इसके ऊपर हल्के हल्के पेच टाइट कर देने हैं। फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसको ऑन करके देखूँगा मेरे काविया चल भी रहा है कि नहीं, ये जो एलिमेंट मैंने नया लगाया है आया ये ठीक है या काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो इसको हल्के हल्के मैं पेच लगा दूँगा, तीनों पेचों को हल्का हल्का मैंने लगा दिए। तो अभी मैं इसको ज़रा ऑन करके चेक करता हूँ कि ये हमारा ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अभी मैंने इसको ऑन कर दिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी लाइट ऑन हो चुकी है। तो ये सीरीज़ मेरा लैंप है, आप देख सकते हैं ये भी ग्लो कर रहा है क्योंकि अब एलिमेंट जो मैंने अभी नया लगाया है वो सही से काम कर रहा है, तो इसलिए ये जो सीरीज़ बल्ब है ये भी ग्लो कर रहा है। तो मैं ज़रा आपको अभी ये देख, मैंने बंद कर दिए तो काफ़ी अभी बंद हो चुका है। अभी आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का धुआं उठने शुरू हो गए क्योंकि ये एलिमेंट ज़रा नया है, तो ये थोड़ी देर धुआं इस तरह निकलता रहेगा। आपने परेशान नहीं होना क्योंकि ये जो स्लीव लगी हुई है ये उसका हल्का हल्का धुआं है, तो आपने इस तरह चेक कर लेना है। उसके बाद आपने ये जो इसकी, आपने इसी तरह प्लास्टिक को करना है बंद और ऊपर से इसका जो पेच है वो जब जगह बराबर हो जाएगी तो आपने उस जगह पे पेच लगा के उसको टाइट कर देना है। और उसके बाद ये जो आगे वाले तीन पेच थे उनको भी टाइट करना है। फ़िलहाल मैं अभी बिट लगा लेता हूँ। इस तरह से आपने बिट लगाना है और उसके बाद ये जो बिट वाले ये दो पेच थे इनको आपने मज़बूती से टाइट कर देना है। तो बिट बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं निकालनी, बस आपने इतना सा निकालना है थोड़ा सा, और उसके बाद पेचों को मज़बूती से टाइट कर देना है। और उसके बाद ये जो इसकी बॉडी के साथ पेच लगे थे उनको भी आपने सही फिक्स कर देना है। तो अभी ये पेच टाइट हो चुके हैं, अभी मैं इसको दोबारा से चला के चेक करूँगा। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी ऑन हो चुका है, ये ऑफ़ हो गया। तो अभी मैंने इसको डायरेक्ट पे लगा दिए, अब मैं थोड़ी देर इसको ऑन रख के आपको बताता हूँ, चेक कराऊँगा आपको कि ये ठीक से काम कर रहा है। तो अभी ये ऑन है, तो अभी मैंने टेस्टर से इसमें करंट देख लेना है कि ये शॉर्ट वगैरह तो नहीं है। आपने भी इस तरह इसको चेक कर लेना है। तो अभी ये बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है, करंट नहीं आ रहा टेस्टर में। तो अभी ये देख सकते हैं मेरे सामने पेस्ट पड़ी हुई है, इसमें मैं इसको लगा के चेक करूँगा, आपको भी दिखाऊँगा। आप देख रहे हैं हल्का हल्का ये धुआँ निकाल रहा है क्योंकि ये अभी इसका जो एलिमेंट है वो गर्म हो रहा है। तो ये भी थोड़ा सा ये गर्म हो चुका है, हल्का हल्का धुआँ निकाल रहा है। तो मैं भी आपको ये ज़रा पेस्ट में लगा के चेक कराता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये ठीक से गर्म हो चुका है और सही ठीक से काम कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।